मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म देखो इसमें क्या जुड़ जुड़ के बनते हैं इसमें, है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट 38 ATP ये जुड़ जुड़ के बना है। प्रोटीन 10 + 10 अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड होता है जो कि प्रोटीन, वो 10 + 10 करके बना है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, टूटता है, फूड को जैसे तोड़ा जाता है पचाने के लिए। एयर में से कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग किया जाता है, फिर ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं। इंजाइम हार्मोन जो होता है ना वो मेटाबॉलिक स्पीड को बढ़ा देता है, बायो कैटलिस्ट होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में 65% वाटर होते हैं। विटामिन, इसको नेम विटामिन किसने दिया था, फंक ने, प्रोटेक्शन के में हेल्पफुल होता है, ऑर्गेनिक होता है ये कंपाउंड। विटामिन ए डिफेंसिव अगेंस्ट हर एक डिजीज़ के लिए डिफेंसिव होता है, रेटिनॉल की बीमारी हो जाती है, रेटिनॉल इसको बोला जाता है। येल्लो फ्रूट नाइट ब्लाइंडनेस इससे होता है, पीले फल जैसे पपीता सब में ये विटामिन ए खूब मिलेगा। विटामिन बी जिसको थायमिन बोला जाता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है वो। गोल्डन राइस में क्या मिलता है आपको, विटामिन ए, फिलीपींस प्रोडक्शन कर रहा है। तो बेरी बेरी स्किन डिजीज हो जाता है, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ राइस होता है विटामिन बी।